गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1G। तो 1G में आइए देखते हैं क्या है। 1G में दिया है कि सरल कीजिए और परिणाम को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो पहला सवाल दिया है 3 करणी की घात 5 है, रूट के अंदर 2 और गुणे 2 करणी की घात 5 और रूट के अंदर है 3। तो देखो, इन सवालों को जब हम करते हैं तो सबसे पहला काम हमें जो करना होता है करणी की घातों को देखना। करणी की घात को हम देखते हैं कि करणी की घात हमारी बराबर हैं या नहीं। यदि बराबर हैं तो बड़ी आसानी से हम इनका गुणा भाग कर सकते हैं, और अगर घातें बराबर नहीं हैं तो सबसे पहला काम हमें करना होता है करणी की घात बराबर करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, करणी की घात हमारी बराबर दी है, यहाँ पर भी करणी की घात 5 है और यहाँ पर भी करणी की घात 5 है। तो जब इस प्रकार के सवाल होते हैं जिनमें घातें बराबर होती हैं तो उनमें बाहर बाहर का गुणा करके बाहर और रूट के अंदर का रूट के अंदर गुणा करके रूट के अंदर कर देते हैं। कैसे? जैसे 3 × 2 = 6 और करणी की घात बराबर है तो करणी की घात 5 और अंदर गुणा 3 × 2 में तो 3 × 6। तो बस हो गया, इतना छोटा सा है। ठीक, अब देखें इसी का अगर दूसरा सवाल हम देखें तो दिया है करणी की घात 6 और रूट 6 गुणे करणी की घात 6 रूट 12। तो अब इसको अगर गुणा करना है तो बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं। घात हमारी समान है, यहाँ भी करणी की घात 6 और यहाँ पर भी करणी की घात 6। तो अब 12 का गुणा 6 में करेंगे तो घात हमारी आ जाएगी 6 और 12 का गुणा 6 में 12 × 6 = 72 हो गया। ठीक, अब अगर भाग का सवाल हो या करणी की घात हमारी बराबर ना हो तो देखो ऐसा सवाल एक दिया है, 5वां नंबर सवाल है, करणी की घात 3 और 2 गुणे करणी की घात 6 और रूट के अंदर है 9। अब इस सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो इस सवाल को देखो, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कि इसकी और इसकी घात बराबर करनी पड़ेगी। तो देखो, घात बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी करणी की घात है 3 और इसकी है करणी की घात 6। तो अब इन जो करणी की घात दी है इनका हम लेते हैं लासा, तो 3 और 6 का लासा, तो 3 और 6 का लासा क्या आएगा? 6। ठीक, अब लासा ले लिया, अब घात हम 6 बनाते हैं। तो देखो क्या करेंगे, अब इसको बनाते हैं पहले। तो करणी की घात 3 है और रूट के अंदर है 2, तो अब इसको बनाना है तो अब घात हमें कितनी बनानी है? 6 बनानी है। तो घात यहाँ हमने लिखी 6, घात यहाँ पर हमने लिखी 6। अब यहाँ पर अंदर रूट के है 2, तो 2 लिख दिया। ठीक, उसके बाद घात का भाग घात में, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो जो भाग देने से आएगा वो अंदर जो लिखा है रूट के उसकी घात बन जाएगा। तो 3 का भाग दिया 6 में तो 3 × 6 तो 2 आया, 2 यहाँ घात में चला गया। ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? करणी की घात 6, 2 × 4। अब अगला हमारा घात 6, 9, तो ये है ही, लेकिन फिर भी लिख देते हैं 9, 6 का भाग 6 में दिया 1, तो करणी की घात क्या आ गई? 6 और 9। ठीक, अब देखो घातें हमारी समान हो गई। अब पहला काम तो सवाल हम लिखते हैं कि करणी की घात 3 √2 गुणे करणी की घात 6 √9। अब इसका मान जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है? ये करणी की घात 6 और रूट के अंदर है 4 गुणे, ये तो हमारा वही है। अब देखो, अब आसानी से हम गुणा कर सकते हैं, यहाँ पर भी घात 6 और यहाँ पर भी घात 6, तो घात 6 घात 6, तो करणी की घात 6 ही रहेगी और 9 का गुणा 4 में कर देंगे तो 9 चौको 36।
तो इस प्रकार से हम घातें बराबर करके सवालों को कह सकते हैं। जिनकी घातें बराबर होंगी उनको भी हम आसानी से लगा सकते हैं, और जिनकी घात बराबर नहीं होगी उनको भी हम आसानी से लगा सकते हैं। अब एक सवाल मैं बता दूं आपको भाग का, तो भाग का सवाल हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर है 7। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 और कर्णी की घात है 4, रूट के अंदर 5, भाग 3/2, कर्णी की घात है 4 और रूट के अंदर है 6। तो भाग में भी वही मैंने बताया कि गुणा हो या भाग हो, अगर घात बराबर हैं तो बाहर बाहर का गुणा तो बाहर बाहर का भाग, और रूट के अंदर अंदर का गुणा तो रूट के अंदर अंदर का भाग हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर घातें हमारी बराबर हैं तो बाहर और बाहर का भाग हो जाएगा, तो 2/3 में भाग देंगे हम 3/2 का, और कर्णी की घात है 4, 5 में भाग हम देंगे किसका, 6 का। तो अब देखो जब बटे के बटे होता है, 2/3 है बटे 3/2, तो अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, और 3 का गुणा 3 में तो 9, कर्णी की घात 4, 5/6। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। तो अब इसी प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के सभी सवालों को ट्राई करेंगे, और जिस सवाल में आपको दिक्कत हो तो उस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं अगले वीडियो में आपको वो सवाल बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको अगले सवालों की या जो भी मैं वीडियो डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब चलते हैं, राधे राधे।